बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 होना है और ऐसे में लगातार बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर लगातार कवायद कर रही है। और ऐसे में अभी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जदयू के सदस्यों को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो भारतीय स्वराज मोर्चा के जो पार्टी थी वो पार्टी चला रहे थे, लेकिन आज उन्होंने पार्टी का विलय जदयू में किया है। तो इस जो भारतीय स्वराज मोर्चा के जो अध्यक्ष थे रवि उज्जवल जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपने अपनी पार्टी का विलय किया है जदयू में। हाँ, नीतीश कुमार जी के काम को प्रभावित होकर वो सब दोस्तों से बात किए, संगठन के लोगों से, सब बोला कि सब हम लोग को स्थिर एक जगह होना चाहिए। अब बिहार में जो विकास हो रहा है उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग आने का फैसला किए। आप अपनी पार्टी कब बनाए थे? पार्टी बनाए थे लोकसभा चुनाव से पहले। हाँ, इससे पूर्व पहले आप लोग? इसके पहले रालोसपा में थे, इसके पहले जदयू में ही थे। तुम्हारी घर ही वापसी हुई है? घर वापसी हुई है। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जिस तरह से लगातार अभी नीतीश कुमार के कार्य को देखते हुए जदयू में लगातार लोगों का आना शुरू हुआ है, क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए क्या कुछ आप लोग तैयारी करने में जुटेंगे? जो आदेश मिलेगा वो हम लोग काम करेंगे। और इसमें लगना क्या है, विकास ये कर रहे हैं तो 25 में भी यही आएंगे, और जो लोग बोल रहे हैं वो बोलते रह जाएंगे। आप एक युवा चेहरा हैं, क्या उम्मीद करते हैं? नीतीश कुमार जी यूथ के लिए बहुत काम किए हैं और आगे भी करेंगे, महिला हो पुरुष हो सबके लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आए हैं। युवा तो उनके साथ जुड़ा हुआ है, युवा जुड़ा हुआ है तब ना ये चुनाव जीत रहे हैं इतना देर से, क्योंकि 65% आबादी यूथ की है, तो यूथ वोट कहीं ना कहीं दे रहा है तब ना है ये। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार दावा करती है कि युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, युवा नेता हैं तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, तो इनका क्रेज क्या रह रहा है युवाओं में? आप भी एक युवा हैं, क्या काम किए हैं युवा के लिए तेजस्वी यादव जी, और क्या काम किए हैं और आगे जो बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मैं अपने चाचा के काम को आगे बढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं चाचा अच्छा काम कर रहे हैं तब ना इसका काम को आगे बढ़ाएंगे। कभी सुना है कि बोलते हैं कि अपने पिताजी के काम को आगे बढ़ाऊंगा? वो जानते हैं कि अपने पिताजी के काम को आगे बढ़ाने का मतलब जंगल राज को आगे बढ़ाना, इसलिए वो बात बोलते नहीं है। उदाहरण में बोलते हैं चाचा के बारे में, मतलब चाचा अच्छा कर रहे हैं ना। कौन चाचा? कौन? नीतीश कुमार जी के बारे में बोलते हैं ना कि मेरे चाचा हैं, वो मेरे चाचा जी काम अच्छा कर रहे हैं, इनके काम को आगे बढ़ाऊंगा, ये भटक गए ऐसा बोलते हैं। तो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मैं अपने पिताजी के काम को आगे बढ़ाऊंगा? क्योंकि पिताजी के काम में जंगल राज होता था, शिल्पी हत्याकांड होता था, डॉक्टर का अपहरण होता था, बच्चा का अपहरण होता था। इनके शासनकाल में यदि क्राइम होता भी है तो क्राइम करने वाला 2 दिन के अंदर पकड़ा भी जाता है। सर, क्या लगता है, क्या देखते हुए आप लोगों ने जदयू का दामन थामा है? सर, जदयू जो काम आज तक की है उस काम को देखते हुए हमें लगता है कि हम अगर युवा पीढ़ी अगर जदयू के साथ जुड़ जाए तो युवाओं के लिए बहुत बेहतर भविष्य हो सकता है, इसीलिए हमने अपनी पार्टी का विलय जदयू के साथ करवाया। पार्टी का विलय किया है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा लगातार तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार कह रहे हैं बिहार में किसी भी तरह का विकास का कार्य नहीं हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के कई अपराध जैसे मुद्दों को वो लगातार लेकर के सरकार पर हमलावर है। तो ऐसे में आप युवा हैं और अपनी पार्टी का भी विलय किए हैं, तो क्या लगता है कि विपक्ष का जो हमला है कितना सही है? देखिए, विपक्ष हमेशा से ये बात कह रही है कि जदयू जो भी काम की है वो काम उनके द्वारा नहीं की, उन जदयू नहीं करके उनके द्वारा घोषणा किया गया था। लेकिन जो भी जदयू अभी काम कर रही है और आगे जो भी काम कर रही है उससे जदयू का जो विज़न है आगे चल के बहुत बढ़िया होगा, गाँव के लिए, आने वाले समाज के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन विपक्ष में उतना दम नहीं है, इसीलिए वो पीछे है आज भी, नहीं तो सरकार उनकी होती अभी। नीतीश कुमार कितना काम किए हैं युवाओं के लिए? क्योंकि आप लोगों के संगठन में खासकर ज़्यादातर लोग जो हैं वो युवा हैं और युवा का झुकाव नीतीश कुमार की ओर हुआ है, क्या लग रहा है कि युवाओं को कितना उम्मीद है नीतीश कुमार से? बहुत उम्मीद है नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी ने युवाओं को नौकरी देने के लिए पूरा प्रयास किए, पूरा किए भी, शिक्षा में हो या अन्य क्षेत्र में हो, हर चीज़ में युवा को नौकरी मिला। युवाओं को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी बहुत सारे योजना भी लाए हैं और नीतीश कुमार जी से हम लोग प्रेरित होकर के नीतीश कुमार जी का पार्टी ज्वाइन किए हैं और ये बहुत अच्छा बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। और आगे युवा पीढ़ी भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी सारा काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी का दावा तो लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी जी नौकरी कहाँ दिए, उन्होंने तो अपने कार्य को जो है नीतीश कुमार जी के साथ ही चचा चचा कह के जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसको कुछ किए नहीं। वो करना था तो
अपना चचा के बारे में चचा चचा क्यों करते हैं? उनके पिताजी भी तो मुख्यमंत्री रहे बिहार के, अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? वो हमेशा वो चचा के बारे में बोलते हैं, चचा का जो बोलते हैं कि चचा को आगे चचा का कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो चचा को क्यों बोलते हैं? यानी कि नीतीश कुमार जी अच्छा कार्य किए तब ना उनके बारे में बोलते हैं वो। 2024-25 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों की कितनी हिस्सेदारी होगी जदयू को लेकर, एनडीए को लेकर? ये सब तो अभी मतलब निर्णय नहीं हुआ है, बाकी मतलब रवि भैया जो कहेंगे, जो उनका आदेश रहेगा उसके हिसाब से हम लोग अपना काम करेंगे। क्या लग रहा है कि युवाओं में आज नीतीश कुमार के प्रति कितना क्रेज बढ़ता जा रहा है? युवाओं का मतलब जैसा कि शुरू से देखा जा रहा है, जब से माहौल संभाले तब से देख रहे हैं कि मतलब युवाओं को हमेशा से मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, और आगे भी दिया जाएगा और मतलब मिल भी रहा है। अगर युवाओं की नौकरी की बात करें तो लगातार आपने सुना होगा तेजस्वी यादव खुले मन से कहते आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कई जगह यात्रा में बताया कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, कितना सही आपको लगता है? चलिए ठीक है, उन्होंने कहा कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, आपका बात मानते हैं, लेकिन भाई अगर घर का मुखिया हम हैं तो भाई अगर हमारा बेटा बोलेगा कि नौकरी हम देंगे तो ऐसा नहीं होगा। जब नेतृत्व तो यहाँ हमारा नीतीश कुमार जी कर रहे हैं ना, तब ऐसे किसी को बोल देने से मतलब हम भी बोल सकते हैं कि युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो हमारा मुखिया रहता है जो बोलेगा वही होता है, और हमारा मुखिया मतलब नीतीश कुमार जी। कितना उम्मीद है नीतीश कुमार से? बहुत उम्मीद है सर। आप लोग का क्या हिस्सेदारी होगी अब 2024 में? तो 25 में तो सर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि हमारे नीतीश कुमार के साथ। आप लोग युवा हैं, युवा नेता तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी है, फिर आपका झुकाव नीतीश कुमार की ओर? हम नीतीश कुमार की ओर इसलिए हैं सर कि अभी जो है इनके शासनकाल में अभी सब कुछ ठीक, इसलिए उनके साथ हैं। हमारी बहन बेटियों अभी रोड पर सुरक्षित घूमती है। प्रशासन चुनाव में कितना युवाओं का कितना समर्थन होगा? हमको लगता है कि 99%। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो छात्र युवा हैं आज अपनी पार्टी का विलय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में किए हैं, और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, युवाओं के हित में काम किए जा रहे हैं, और इसी को देखते हुए उन्होंने आज अपनी पार्टी का विलय किया है, और निश्चित रूप से आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में इन लोगों की पूरी अहम भूमिका होगी, और एनडीए की सरकार बनाने में ये पूरी तरह से अपनी कार्य को निभाने में सफल होंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज़, पटना।